वेलकम बैक सो अब आगे देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में टेक्सचर और मिनरल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम लोग रॉक्स कैसे डिफ्रेंश करेंगे उसको देखा था अब जो है एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें एक तो जो हमने लास्ट जो देखा उसमें तो कलर इंडेक्स के बारे में देखा था और ये कलर इंडेक्स ऊपर दे रखा है आपका इग्नियस रॉक्स का तो जो आपका फेल्सिक मिनरल्स होंगे वो लाइटर कलर के होंगे और जैसे जैसे आप मैफिक और अल्ट्रा मैफिक की तरफ जाएंगे तो आपके पास ये मिनरल जो हैं वो डार्कर होते जाएंगे और रॉक्स भी डार्कर होंगे करके तो ये एक बेसिकली एक हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है कि ये आपका जब सिलिका कंटेंट डिक्रीज होता है तो ये डार्कर रॉक्स आपका बनाएगा और जैसे ये सारे रॉक्स में देखेंगे तो इसमें मेनली जो सिलिका कंटेंट है वो कम होता जा रहा करके और सिलिका इंक्रीज होगा तो आपका जो है वो मोस्टली आपके जो होगा वो लाइटर कलर का होगा तो ये डार्कर कलर है और ये लाइटर होगा आपका तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा ये कुछ रॉक्स हैं जो कि हमने लिखे हैं यहाँ पे तो ये रायलाइट uh, ग्रेनाइट आपका एंटेसाइड डायोराइट है आपका सो नीचे वाले जो हैं वो इंक्लूसिव रॉक्स हैं और ऊपर वाले जो हैं वो एक्सक्लूसिव रॉक्स हैं तो ये इसके इक्वेलेंट कॉम्पोजिशन मोरले सिमिलर रहता है इनका लेकिन ये फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन रहेंगे और जो जो अल्ट्रामाफिक है उसमें पेरिडोटाइट होता है जो ऑलविन रिच होता है ऑलविन 90 परसेंट के आसपास होता है और बेसाल्ट में जो फाइन ग्रेन होगा वो भी ऑलविन रिच होगा यहाँ पे तो डूनाइट और पेरिडोटाइट जो है वो आपका इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव रॉक होगा आपका करके सो इसको हम लोग टेक्शर भी कहते हैं और आगे जो है उसको जो हमने पिछली में बात पिछली बार बात की है तो टेक्स्चर जो फाइन ग्रेन होगा एफेनेटिक होगा और ये कोर्स ग्रेन होगा वो फेनेरेटिक होगा करके और पैगमेटेटिक का आपके हमने कहा था वो ग्रेटर देन आपका वन सेंटीमीटर का जो ग्रेन साइज होगा उसका क्रिस्टल का वो होगा तो हम लोग उसको पैगमेटेटिक टेक्सचर कहेंगे और ग्लासी वाला जो मैंने कहा कि बहुत फ्राइन और ग्लास की तरह रिफ्लेक्ट करेगा आपका तो ये एक और इसका है कि ये मेन जो मेजोरिटी ऑफ रॉक्स हैं जो कॉमनली अकरिंग रॉक्स हैं वो ये मिलते हैं रायोलाइट ग्रेनाइट डायोराइट एंडिसाइड गैब्रो बेसाल्ट एंड डोनाइट और पेरेडाटाइड आपका है करके ये और क्लासीफिकेशन दिया गया है तो हम चाहेंगे कि इसको आप ध्यान से देखें इसका ओरिजिन के बारे में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या है रॉक्स आपका और फिर इसका टेक्सचर क्या रहा आपका पेगमेटेटिक है वेरी कोर्स ग्रीन पैनि फेनोरेटिक है फेनेटिक आपका कोर्स ग्रीन रहेगा पॉर्फरेटिक या फाइन ग्रीन हो जाएगा आपका और इसके बेसिस पे मिनरल कंटेंट के बेसिस पे इसके रॉक्स के डिफरेंट जो है वो नाम दिए गए हैं जो कि आपके ग्रेनाइट हो गया डायराइट हो गया गैब्रो हो गया रायोलाइट बेसाल्ट जो है जो है एक्सक्लूसिव रॉक्स हैं करके और ये सो आगे अगर देखिए टेक्सचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स जो हैं बेस्ड ऑन ग्रेनिक एंड ग्रेन साइज जो है हम लोग बात कर रहे थे अपने सो ग्रेन साइज डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशन दैट प्रिवेल ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा यहाँ पे कहीं ना कहीं वही बात हो रही है आपका कूलिंग का है करके स्लो कूलिंग जो है वो आपका लार्जर मिनरल ग्रेन्स बनाएगा फास्ट कूलिंग जो है वो स्मॉलर और फाइनर मिनरल ग्रेन्स बनाएगा करके सो स्लो कूलिंग लार्ज फास्ट कूलिंग आपका स्मॉलर है करके और इसी के बेसिस पे आपका फेनेरेटिक अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आएगा जिसमें जो क्रिस्टल्स होंगे मिनरल्स के वो बड़े होंगे करके तो ये ग्रेनाइट है ग्रेनाइट में आपका ग्रेनाइट हैज फेनेटिक टेक्शर के सो इट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड इस करेक्टराइज बाई लार्ज साइज साइज मिनरल्स विच कैन बी ईजिली सीन बाई ने यह एक चीज है कॉमनली एसोसिएटेड विथ इंक्लूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स हैं ये करके बिकॉज मैगमा इन द क्रस कूल्स एट स्लोअर रेट एंड हैव इनफ टाइम सफिशेंट टाइम मिलता है उनको अधिक टाइम समय मिलता है क्योंकि वो लार्ज क्रिस्टल बना पाते हैं करके ये वही बात हम जो बात कर रहे थे इसको अगर हम डायोराइट को देखें पिछला जो हमने देखा वो था आपका ग्रेनाइट था करके तो ये आपका इंक्लूसिव रॉक है और अगर हम डायोराइट को देखते हैं तो डायराइड कैसे नजर आता है इसको देख लें एक बार करके तो ये कुछ तस्वीर है आपकी डायोराइट की है तो इसमें जो वाइटिश कलर का जो पोर्शन है वो आपका प्लेज फिल्स पर है और जो डा डार्कर है आपका जो है एम्फीबोल है यहाँ पे फिर हम लोग आते हैं आपका गैब्रो पे गैब्रो कैसे नजर आएगा अब जैसे जैसे हम लोग इस पर इस तरफ जा रहे हैं तो ये क्या कह रहा है कि आपका डिक्रीज इन सिलिका तो ये डार्कर होता जाएगा तो अगर आप इसको देखेंगे गैब्रो को तो ये और डार्क हो गया आपका और इसमें प्लेजुक्लेस फेल्सवार है और ये एम्फीबोल है यहाँ पर फिर आते हैं हम लोग अगर देखें कि फाइन ग्रीन वाले जो हैं वा एफिनेटिक वाले रायलॉइड कैसे दिखेगा तो उसको देखें अगर तो और बेसाल्ट को हम दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो अगर देखा जाए तो ये एफिनेटिक टेक्सचर है और ये फाइन ग्रेन रहता है तो ये कुछ इस तरह से रायोलाइट दिखेगा रायोलाइट क्योंकि एफिनेटिक जो है रायोलाइट जो है एफिनेटिक टेक्सचर तो है लेकिन ये आपका इस भाग में दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपका सिलीका जो है वो हाई है करके तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों फाइन ग्रेन हैं लेकिन ये इसके कलर जो हैं वो अलग दिखाई जाएंगे क्योंकि आपको ये मोर टूवर्ड्स मैफिक है आपका तो एफिनेटिक्शन में अगर देखें तो इस तरह से दिखता है बेसाल्ट है आपका तो फाइन ग्रेन है और दोनों ही एक्सक्लूसिव रॉक्स हैं आप वेसिकुलर जो है अगर हम देखेंगे प्यूमाइस जो के है वो आपका काफी लाइट वेट होता है जिसमें गैस एमिट होने की वजह से उसमें होल्स पाए जाते हैं तो ये अगर देखें तो कुछ इस तरह से नजर आएगा और ये काफी लाइट वेट होगा करके सो इट फॉर्म्स ड्यूरिंग फास्ट कूलिंग प्रोसेस और ये अगेन फास्ट कूलिंग प्रोसेस अगर जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है एक्सक्लूसिव रॉक है आपका प्यूमिस का लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो वेसिकुलर है जिसमें आपको ये देखेंगे इस तरह के आपको होल्स नजर आएंगे और इस वजह से इसकी जो है वेट जो होता है ये बहुत ही लाइट होता है तो इजीली आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं कि इसका प्रभाव जो है ये वॉल्केनिक ये जो रॉक्स हैं ये इंडिया में भी पाए जाते हैं करके तो अभी तो हमारे पास ऐसे कोई इरप्शंस हैं नहीं तो ये कैसे हुआ करके तो ये कहा जाता है और ये रिसर्च के बेसिस पे ये देखा गया है कि जब इंडिया का इंडियन प्लेट जो थी ये यहाँ से मूव करना शुरू की तो ये किसी हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरी और उस वजह से यहाँ पे वॉलैनिक एक्टिविटी हुई हालांकि जो हमने एक चीज़ और बताई है कि जब इसकी ये जब यूरेशियन यु, यु, प्लेट से टकराई या टिबियन प्लेट से टकराई तो इसके आगे वाला हिस्सा जो था ये ये ओशनिक आपके पास ओशनिक प्लेट था तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ वॉल्केकैनिक एक्टिविटीज़ आपको नजर आई थी करके। तो अगर हम लोग देखें कि रॉक्स इन इंडिया तो मैंने जैसे कहा कि अगर टेकन एरिया में महाबलेश्वर और आप बॉम्बे की तरफ जाएंगे हालांकि ये कुछ पार्ट इन गुजरात में भी पाया जाता है जहाँ पे सौराष्ट्र एरिया है वहां पे भी वॉल्केनिक रॉक्स पाए जाते हैं इवन कच्छ में भी पाए जाते हैं करके तो ये ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं करके तो अगर इंडियन प्लेट का देखें इंडियन प्लेट के बारे में बात करें तो अकरेंस ऑफ द वॉलिक रॉक इज़ सीन इन इंडिया एग्ज़ाम्पल कहाँ कहाँ पे है इसको हम लोग कहते हैं डेक्कन एरिया जो है वो डेक्कन ट्रैप एरिया कहते हैं कब लोकेशन आपका महाराष्ट्र है एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड एमपी पी यहाँ पर ये आपको वॉलकनिक रॉक्स मिलते हैं और ये कहा गया है कि दिस वॉल्कनिक एरिया ऑक्यूपाइज अबाउट टू लाख र माइल्स ये इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा मतलब ये आपका ये पोर्शन भी हो गया आपका कुछ पोर्शन यहाँ पे है करके और जैसे मैंने कहा ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है इसमें आपको वॉलनिक रॉक्स दिखते हैं ये पूरे एरिया में आपको मिलेंगे यहाँ पे ज़्यादातर वॉल्कनिक रॉक तो ये एक है बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और ये कैसे बने थे करके ये करीब करीब सिक्सटी मिलियन ईयर्स बैक इसका पीरियड जो कहा गया है इसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्रिटेशियस पीरियड ड्यू टू वॉल्केकैनिक एक्टिविटी व्हेन द इंडियन कॉन्टिनेंट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द मेन दुण। गोंडवाना रीजन जो यहाँ से ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ ये तब बना था करके दिस ट्रैप्स गेव गुड बिल्डिंग स्टोन्स एंड ऑल्सो वेरी वे फर्टाइल ये अगर ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे ये बहुत अच्छी तादाद में मिलती है ये काफ़ी फ़र्टाइल होती है क्ले लूम कहते हैं पर्टिकुलरली सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन ये हम लोग स्कूल्स के में पढ़ा करते थे करके और ये एक और भी दूसरा है कि ये बहुत बेहतरीन बिल्डिंग स्टोन के तरीके से यूज़ किया जाता है करके तो ये प्रोसेस जो हुआ था ये करीब करीब 65 फाइव मिलियन ईयर्स बैक हुआ था और ये इसी वजह से आपका ये सारे वॉल वौ, रॉक्स जो हमको दिखते हैं इंडिया में ये इसी का आ, कारण है करके अब अगर जैसे हमने पहले एक ये वॉलिक वालकनोस से क्या हजार्ड है क्या आपदाएं आ सकती हैं और कैसी कैसी आपदाएं आई थी इटली के कुछ वॉल के बारे में बात किया था फिर इंडोनेशिया में हुआ था उसके इवेंट्स के बारे में बात किया था तो मेजर इवेंट्स जो हैं जब ये वॉलकनिक करपशन हुए थे कब कब हुए थे तो इसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहला जो बात आती है जो हमने काफ़ी मूवीज़ भी देखी हैं इसकी हॉलीवुड मूवीज़ हैं जोरासिक पार्क के बारे में बात करते हैं तो वो उस समय इतनी ज़्यादा वॉल्कि करपशनस हुए थे कि उसकी वजह से पूरी के पूरे जो है वो जो भी वहाँ पर फ्लोराज एंडफोनाज थे मोस्टली वो एक्सटिंक्ट हो गए थे और उसका ये 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 कुछ इवेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पीरियड है आपका कॉटनरी ट्रशरी क्रिटेशियस जोरासिक ये पीरियड है आपका और ये इपॉक्स दे रखे हैं ये हमने पहले जब हम लोग देख रहे थे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में तब हमने इसके बारे में भी बताया था और ये इसकी एज दे रखी है कि मिलियन ईयर्स में एज कितनी है और लाइफ फॉर्म्स क्या थे और इवेंट्स कौन से कौन से हुए थे करके तो अगर हम लोग यहाँ से देखना शुरू करें तो ये वाला जो है ये परमिन्ट ट्रायसिक जो है इसकी बाउंड्री है ये परमिंट पीरियड है और ये ट्रायसिक इसके बीच की बाउंड्री है इसमें द ग्रेटेस्ट मास एक्सटेंशन ऑफ ऑल टाइम सबसे बड़ा ये एक्सटेंशन हुआ था ये तबाही आई थी जिसमें 96 परसेंट ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ वाज ब्रॉट टू एन एंड तो ये जो है इवेंट हुआ था ये करीब करीब आपका 248 मिलियन इयर्स बैक हुआ था करके और इसको कहा जाता है परमियन ट्राइसिक बाउंड्री दूसरा इस तरह का इवेंट हुआ था वो ट्राइसिक जुरासिक बाउंड्री पे हुआ था और इसमें एक्सटेंशन करीब करीब 50% परसेंट ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ तो ये ये एक हुआ था करके और लिविंग मेनली डायनासोर ऑन लैंड कुछ वो जो स्पीसीज थे वो बच गए थे लेकिन हाफ ऑफ द प्रिसीज मतलब हम लोग के पचास प्रतिशत जो स्पीसीज थे अर्थ पे वो उसका खात्मा हो गया था करके और एक है जो कि क्रिटिशियस टर्सरी बाउंड्री हम लोग कहते हैं जो कि हम लोग इस पे बेसिस पे लेते हैं इसके बीच में एक इवेंट हुआ था और ये वाला जो इवेंट है पहले हम लोग इसके देख लें एक बार ट्राइसिक और जोरासिक जो था वो करीब करीब 206 मिलियन इयर्स बैक हुआ था करके और यहाँ पे जो है ये जो हुआ पैंसठ मिलियन ईयर्स के आसपास जो हुआ हम लोग कहते हैं करके तो ये क्रिटेशियस टर्सरी बाउंड्री है एक्सटिंक्शन ऑफ डाइनोसर एंड मैनी अदर स्पीसीस डायनोशर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए थे करके तो मेरा कहना ये है कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वॉलनिक इरप्शन के इवेंट्स जो हैं ये पहले भी हुए हैं लेकिन इसका आइडियल कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है करके ये हर जगह नहीं हो सकता है करके सो so, आइडियल कंडीशन जो है हमारे पास मैग्मा का सोर्स होना चाहिए नीचे से अगर हमारे पास कोई हॉट स्पॉट है जहाँ से और प्लूम हम लोग कहते हैं प्लूम एक्टिविटी जो कि नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है तो अगर वहाँ पे कोई सोर्स अगर इस तरह से है तो ये इवेंट्स हो सकते हैं और नहीं तो हमारे पास जहाँ पे सबडक्शन जोन से वहाँ पे इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं लेकिन ये पाया गया है कि पहले जब जियोलॉजिकल पास्ट में इस तरह के मेजर इवेंट्स भी हुए हैं और नीचे भी अगर देखें यहाँ पर तो कार्बन फेरस और परमियन ये और ओल्डर इवेंट्स हैं जहाँ पर एक्सटेंशन का बात की गई है कि इसके वजह से वॉल की वजह से इस तरह की एक्टिविटीज हुई है करके पहले तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जहां पे के मेजर इवेंट्स जो हैं ये तीन हम लोग अगर ले लें परमियन ट्रायसिक ये है इसमें क्या हुआ था ट्रायसिक जुरासिक में क्या हुआ था और ट्रिशरी ट्रे, बाउंड्री में क्या क्या इवेंट्स हुए थे करके ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग पेगमेटाइट जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा जहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि पेगमेटाइट होगा पेगमेटेटिक टेक्सचर होगा तो ये क्रिस्टल्स जो होंगे ये काफी बड़े होंगे तो हम लोग अभी तक जो देखे आ, आएंगे ने, ने, आ, जो है एफेनेटिक एंड फेनेटिक वेसिकुलर देखा और अभी लास्ट जो है हम लोग एक और देख लेते हैं पेगमेटिक इसमें काफी बड़े क्लिस्टल होंगे और ये अगेन एक प्लूटॉनिक रॉक है आपका और ये क्योंकि सबसे बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं तो हम लोग ये सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट और या तो लेट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये तो सबके आखिर में बनेगा बिकॉज इसका क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा समय मिला है बड़े क्रिस्टल्स बनने में तो ये पेगमेटाइट जो है वो इस तरह का दिखता है कुछ करके आपका अब पॉर्फोरेटिक टेक्चर जो है इज अ डिस्टिंक्टिव मिक्सचर ऑफ लार्ज एंड फाइन ग्रीन मिनरल्स तो ये जो है आपका मिक्सचर है आपका करके पॉर्फरेटिक टेक्सचर जो है और ये कब होता है व्हेन स्लो कूलिंग इज़ फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग सो इसको कहते हैं लार्ज क्रिस्टल्स जो होते हैं इसको हम लोग फिनोक्रस्ट कहते हैं तो मतलब अगर मान लीजिए कि ये आपका रॉक है कुछ ऐसा और इसमें ये बड़े क्रिस्टल्स हैं इस तरह के बने हुए करके आपके और इसके अंदर जो हैं वो छोटे छोटे आपके मिनरल्स हैं करके तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड मास और इसको कहते हैं आपका कि जो साइज़ के जो ग्रेन्स हैं उसको कहते हैं करके तो आपका जो इस तरह से दिखेगा कुछ अगर इसको हम लोग ये जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था वो इस तरह से कुछ नज़र आएगा आपका जो फिनोक्रस्ट होंगे वो बड़े होंगे आपके काफ़ी और जो ग्राउंड मास होगा वो फाइन ग्रेन होगा आपका तो इसका रीजन ये है स्लो कूलिंग और रैपिड कूलिंग फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग इस वजह से ये हमको फेनेरिटिक टेक्सचर देखेगा करके अब हम लोग देखें एंडसाइट में अगर देखते हैं तो ये है एंडसाइट में पॉर्फरेटिक टेक्सचर नजर आता है हमको तो ये आप देखेंगे कि एंडसाइट में जो है अगेन जो हमने बताया कि आ, स्लो कूलिंग फॉलोड बाय फास्ट कूलिंग आपका और रैपिड कूलिंग आपका कर दें तो ये जो होगा आपका ये बड़े जो नज़र आ रहे हैं क्रिस्टल्स मिनरल्स के ये आपके ये आपके पॉर्फोरेटिक जो फिन फे, फेनोक्रेस जो बोलते हैं हम लोग वो हैं करके ये बड़े वाले हैं जो ये फेनोक्रिस्ट एम्फीबोल हॉर्नब्लेड इसका मिनरल कॉम्पोजिशन है और जो जो फाइनर नज़र आ रहा है वो आपका मेनली ग्राउंड मास है और ये जो है वो आपका प्लेजियोक्लिस और सोडियम और कैल्शियम फेल्स पार आपको मिलेगा यहाँ पे ग्राउंड मास में तो ये कुछ आपका एंडेसाइड इस तरह से नजर आएगा आपका और एंडिसाइड अगर हम लोग ये देख रहे हैं तो ये क्या है आपका आपका एंडेसाइड जो है वो आपका इंट्रूजिव एक्सक्लूसिव रॉक है आपके पास ये करके लेकिन इसमें क्योंकि आपके पास कूलिंग जो इफेक्ट था वो फास्ट और स्लो स्लो और उसको फॉलोड बाय फास्ट है रैपिड कूलिंग इस वजह से आपका ये टेक्सचर दिखाई देता है करके सो इट कंटेन्स मोर देन फिफ्टी परसेंट लार्ज साइज मिनरल्स एंड अब आता है आपका एक और जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं और लेकिन ये जो है ये अगेन एक्सक्लूसिव रॉक है आपका और जो हमने कहा कि जो ग्लासी टेक्शर दिखाता है होकर के उसका नाम है ऑप्सीडियम और ये काफी आप देखेंगे तो ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे क्योंकि इसका जो टेक्सचर है और दूसरी भी हम कहेंगे इसका लस्टर जो दिखाई देगा वो काफ़ी ग्लासी नज़र आएगा तो ये आपको ये जो है ये रीज़न है इसका रैपिड कूलिंग का ये बहुत फ़ास्ट कूल cool कर जाता है करके जो लावा सरफेस पे आया उसका तो क्योंकि फ़ास्ट कूल करेगा तो हमारे पास बहुत फाइन ग्रेन होंगे तो ये बहुत ही रैपिड कूल करता है लावा तो अगर वो हुआ तो हमको ग्लासी टेक्सचर के रॉक मिलेगा और वो उसका नाम है ऑप्सिडियम ऑब्सिडियन हो गया अब अब हम लोग ये पायरोक्लास्ट जो है वो मैंने कहा था जैसे कि ये जो है ये मेनली जो होता है ये बड़े रॉक फ्रैगमेंट्स जो हैं ये जब बाहर आते हैं इरप्शन के टाइम पे इसको पायरोक्लास्ट कहते हैं और पायरोक्लास्टिक फ्लो भी कहा जाता है और पायरोक्लास्टिक फ्लो जो है वो बड़ा डेंजरस होता है क्योंकि ये जो है एक मतलब अगर हम लोग इसको कहें कि इसकी साइज़ जो होती है ये काफ़ी बड़ी हो सकती है करके बट द स्मॉलेस्ट साइज कॉल्ड जो होता है उसको हम लोग ऐश कहते हैं जिसकी साइज़ जो होगी लेस देन फोर एम एम है स्लाइडली लार्जर जो होगा उसको हम लोग कहेंगे लेपिलीस जिसकी ग्रेन साइज जो होगी वो फोर टू थर्टी टू मिली की होगी लेकिन बिगेस्ट जो है आपका जो हम लोग ये कहेंगे पायरोक्लास्टिक फ्लो में जो दिखता है लार्जर क्लास उसकी साइज जो होती है ये थर्टी टू मिली से बड़ी होती है और ये इसका रॉक ब्लॉक्स निकलते हैं और या तो इसको बॉम्ब भी कहते हैं क्योंकि जब ये कहीं पर भी गिरता है तो काफ़ी ख़तरनाक साबित करता है इसको तो ये जो दिखाया गया है यहाँ पर ये पायरोक्लास्टिक फ्लो का डिपॉजिट दिखाया गया किस तरह से दिखेगा तो इसमें बड़े बड़े आपके वो भी हो सकते हैं और फाइन जो है वो ऐश है आपके यहाँ पे और ये जो है लेपिलीस हैं यहाँ पे इस साइज का दिखाया गया है आपका लेपलीस है और जो ये आपका ये दिखेगा जो बॉम टाइप दिखेगा वो करीब करीब को है वो इस तरह का दिखेगा आपका तो ये एक आपका इस तरह की कुछ शेप की ज़रूरी नहीं है कि यही शेप हो लेकिन ये साइज़ एक दिखाया गया है कि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है और इसको हम लोग वॉलकनिक बॉम्ब भी कहते हैं करके और ये खतरनाक मतलब डैमेज काफ़ी तगड़ा करता है जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करेगा करके तो हमारे यहाँ पे खैर फॉर्चुनेट हैं हम लोग तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास वॉल्कनिक एक्टिव वॉलोज नहीं है लेकिन हम लोग अगर आगे देखें इसमें तो कुछ फेमस मोन्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर जिसके मतलब रॉक्स इस्तेमाल करके इग्नियस रॉक्स बनाए गए हैं तो ये एक है आपका फेमस मोन्यूमेंट जो कि आपका ये है ये ग्रेनाइट से माउंट रॉसमोर जो है ये यूएस में है जो कि ग्रेनेटिक रॉक के ऊपर कार्विंग करके बनाया गया है और ये एक बेथोलिथिक स्ट्रक्चर है करके सो so, ये आप देख सकिए ये आपका काफ़ी फेमस लोकेशन है दूसरा जो लोकेशन है आपका मोबाई का है ये चिली में है जहाँ पे आपके स्टैचूज को कार्व किया गया है ये के लिए बेसाल्ट में किया गया है करके और भी देखें तो आपका ये माचू पिचु है ये एंडिस माउंटेन में है पेरू में ये भी ज़्यादातर जो है जो बनाए गए हैं जो घर और ये सब हैं इसमें कार्विंग मेनली जो है ये ग्रेनाइट से की गई है और फिर हमारे पास कुछ यहाँ पे भी टेंपल्स हैं इंडिया में जो कि मेनली ग्रेनाइट यूज़ किया गया है इसमें और पिरामिड जो है गीज़ा का टर्की में तो वो भी आपका ये है वो उससे बना के और महाबलीपुरम का टेंपल है कुछ स्टैचूज जो हैं वो आपका ग्रेनाइट एक और रॉक है इग्नीस रॉक है वो काफ़ी हम कहेंगे कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए क्योंकि वो उसमें डायमंड्स पाए जाते हैं और उसको कहते हैं हम लोग किम्बर तो किम्बरलाइट जो है इज़ ए डायमंड बेयरिंग रॉक उसके अंदर डायमंड्स आपको मिलेंगे और बेसिकली वो अल्ट्रामेफिक रॉक है करके ऑल्सो रिफर्ड एज डायमंडी फेरिस इग्नियस रॉक तो ये ऐसा पत्थर है जिसमें हमको डायमंड्स मिलेंगे और डायमंड्स जो हैं फॉर्म ज़्यादातर करते हैं वो करीब करीब 150 किलोमीटर जो धरती है उसके सरफेस के नीचे मिलते हैं करके और वो कुछ इस तरह से जो इरप्शंस uh, uh, होते हैं जहाँ से आपका मैग्मा बाहर आ रहा है वहीं पे जो इंट्रूशन में uh, रह जाता है मटेरियल उसी में ये इस तरह के डायमंड्स uh, बनने शुरू होते हैं क्योंकि डायमंड्स अगेन एक बहुत ही uh, सटीक क्रिस्टल फॉर्म करता है और उसके लिए समय कूलिंग ज़्यादा चाहिए कूलिंग का समय ज़्यादा होना चाहिए और उसके लिए वो काफ़ी अच्छे क्रिस्टल uh, बनाता है करके और जैसे हमने हार्डनेस के बारे में बात की वो सबसे हार्डेस्ट मिनरल है ऑन दिस अर्थ करके सो टू फॉर्म डायमंड कार्बन मस्ट प्लेसड अंडर एटलीस्ट 30 किलो बार ये प्रेशर भी चाहिए तो गहराई में बनता है मतलब इसका मतलब ये है और टेम्परेचर भी इसको ज़्यादा चाहिए करके तो ये जो है ये एक्सक्लूसिव नहीं है इंक्लूसिव ही है तो और, और ये ज़्यादातर अल्ट्रामाफिक इग्नियस रॉक्स जो होते हैं उसी में पाया जाता है करके तो ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में कि डायमंड कहाँ और कितना प्रेशर में बनेगा और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा और कितने नीचे बनेगा अपना धरती से करके और खुदाई लोग करते हैं लेकिन अब क्या बात होगी कि भाई ये ऊपर कैसे आया इतना तो जब ये इंट्रूजन हुआ है या डिफॉर्मेशन हुआ है तो उसकी वजह से ये रॉक्स ऊपर आते हैं सरफेस पे सतह पे और वहाँ पे लोग इसको माइनिंग करके इसका इसमें डायमंड्स की वो देखते हैं करके तो मेनली जो किम्बर है वो काफ़ी अहम रॉक माना जाता है इग्नियस कैटेगरी का तो मैं यहीं पे रुकता हूँ अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेडिमेंट्री और मेटामोफिक रॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो तब तक के लिए आपसे अलविदा थैंक यू सो मच नमस्कार